Hyderabad International School CBSc plus exceed syllabus, which is followed in eight countries, modern plus Islamic education, five step activity based and play way method, launching separate branches for girls at Mughal. असलमैलिक नाजरीन आप सबका खैर मकदम है एटीन तेलंगाना न्यूज़ पर आज पाँच अगस्त थर्सडे का दिन है आई नाजरीन देखते हैं आज का इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली मनीषा पाठक ने सी बी एस टेंथ क्लास में इंग्लिश संस्कृत साइंस और सोशल साइंस में सौ नंबर हासिल किए और मैथमेटिक्स में सत्तानवे नंबर हासिल किए ये एक बेहतरीन कामयाबी है वनीषा के लिए आपको बता दो नाजरीन वनीषा छोटी उम्र में मुश्किल वक्त में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है वनीषा सोलह साल की लड़की है जो मई के महीने में कोविड नाइन्टीन के सब अपने दोनों वालद और वालदा को खो दिए थे दो महीने पहले मनीषा की जिंदगी में तूफान आ गया था एग्जाम्स पास होने का डर था और मनीषा के माँ बाप जिंदगी से जंग लड़ रहे थे लेकिन अफसोस कुछ दिन बाद वनीषा के वालिद और वालदा की मौत हो गई कोविड नाइन्टीन के सबब हॉस्पिटल में अचानक से मनीषा का परिवार टूट गया वनीषा को एहसास हुआ कि उनके छोटे भाई 10 साल के विवान और खुद का ख्याल रखना है जिसके बाद वनीषा ने सी बी एस ई टेंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए मनीषा सबके लिए एक मिसाल बन चुकी है इंडिया ने इतिहास बनाया ओलंपिक हॉकी मेडल जीतकर 41 साल के बाद इंडियन मैन हॉकी टीम ने 41 साल के बाद इतिहास कायम करते हुए जर्मनी टीम को हराते हुए 5 बाई फोर से ब्रोंस मेडल हासिल कर लिए ये मैच जबरदस्त रहा इंडिया में पिछले 24 घंटों के अंदर बयालीस हजार नौ सौ बयासी कोविड नाइन्टीन के नए केसेस दर्ज किए गए और पिछले 24 घंटों में 533 कोरोना मरीजों की मौत वाकई हुई यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये ऐलान किया थर्सडे यानी आज केरला जो एक छोटा स्टेट है जिसमें मुश्किल से तीन फीसद आबादी है इंडिया की आबादी में से और आधे से ज्यादा लोग केरला में कोविड नाइन्टीन से मुतासर हो रहे हैं और मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह से कोविड नाइन्टीन केसेस की गिनती में अचानक इजाफा खतरे का इशारा है फिलहाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट कोविड नाइन्टीन केसेस को काबू में लाने की कोशिश कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आवाम को चेतावनी दी है फर्जी ऑफर के जाल में ना फंसे कई ऐसे ऑफर्स फर्जी ट्रेंड में है जहां पुराने बैंक के नोट्स और कॉइन्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं और ये ऑफर्स फर्जी है जहां आवाम को लूटा जा रहा है सेंट्रल बैंक ने स्टेटमेंट जारी किए और कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो और नाम का इस्तेमाल करके लोगों को ठगा जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से लोगों के पास से टैक्स कमीशन चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं आवाम को चेतावनी दी गई है ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम का गलत इस्तेमाल करके ऑफर दिए जा रहे हैं उस धोखे में न फंसे न्यूयॉर्क सिटी ऐसा पहला सिटी बन गया है यूएसए का जहां कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन का प्रूफ पूछा जा रहा है आवाम से जैसे रेस्टोरेंट में स्टाफ और कस्टमर से जिम्स में बिजनेस के दौरान हर जगह कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन का प्रूफ पूछा जा रहा है जैसे कि आप सब जानते हैं यूएसए डेल्टा वेरियंट की चपेट में है और दिन पे दिन कई लोग मुतासर हो रहे हैं इसीलिए वैक्सीनेशन में सख्ती बढ़ती जा रही है इंडिया की सरकार और सऊदी अरब की हुकूमत दोनों के बीच एयर बबल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं जिसके तहत इंडिया और सऊदी अरब के बीच सफर करने के लिए राहत होगी इस कोविड 19 वबा के चलते ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी तहरीन में शपथ लेने के दौरान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मौजूद रहेंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एम ई ए ने ऐलान किया कि मिनिस्टर जयशंकर दो दिन का सफ़र करेंगे ईरान में और साथ ही खास प्रोग्राम इरानियन प्रजिडेंट इब्राहिम रईसी के शपथ के दौरान भी मौजूद रहेंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे